नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। तो अभी हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सियासी तापमान इतना हाई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस की ओर से भेजे गए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के सामने सुखविंदर सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सीएम सुक्खू ने विधायकों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी पार्टी के कुछ विधायक बगावत कर बैठे हैं, जिसके बाद मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी से बाहर जाकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। इसके अलावा आज सुबह सुक्खू कैबिनेट में नंबर 3 माने जाने वाले विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद से हटाया जाए, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर विधायक सुक्खू की कार्यशैली से खुश नहीं है। पार्टी में उठ रहे बगावत के सुरों को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान में भी टेंशन बनी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी लगातार हिमाचल में चल रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और बागी विधायकों से बात करने की कोशिश कर रही हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मुकेश त्यागी हैं बीजेपी से, प्रखर सिंह हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव। तो प्रखर जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, क्या हो रहा है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है और लोकतंत्र के जनादेश को में भी बिलीव नहीं करती है। और इसका कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे बड़ी बड़ी रैलियां करने और बड़े बड़े वादे करके आए थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं गए थे, स्वयं प्रचार किया था। उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। तो अब ये चाहते हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए इनके इन प्रकार। जिस तरीके से सोचिए, सीआरपीएफ का यूज हो रहा है विधायक को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है और लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है, मगर कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट है, हमारे लोग इंटैक्ट है, हमारे ऑब्जर्वर्स यहां गए हैं। कुछ समय का इंतजार करिए, आपको अच्छी और सही खबर मिलेगी। ऐसी खबर आ रही है कि सुखविंदर सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब देखिए, ऑब्जर्वर और सुखविंदर जो चीफ मिनिस्टर है वहां बैठ के क्या बात हुई है किसी को नहीं पता। उस कमरे में कौन कोई नहीं है। ये देखिए, अफवाहें अफवाहों का दौर है और अफवाहें चल रही है। लेकिन प्रखर, मैं बीच में रुक रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जयराम रमेश ने भी साफ तौर पर कहा कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है, मेरी जानकारी में है, और आप कह रहे हैं ऑब्जर्वर तय करेंगे। बेशक ऑब्जर्वर तय करेंगे, लेकिन जो इक्वेशन वहां बनती नजर आ रही है कि जरा सी भी चूक हुई तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी अपने मंसूबे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती है। रही बात, देखिए, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा। विधायकों का समूह तय करता है, जनता विधायक को चुनती है लोकतंत्र में, और विधायक और पार्टी के जो मेन पैनल होता है वो चुनता है। तो हमारे ऑब्जर्वर्स वहां गए हैं, वो रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरे जी को सौंपेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो मुकेश जी, बात सिर्फ राज्यसभा तक थी या सरकार गिराना ही टारगेट है? तो खैर, लोकतांत्रिक ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा, अगर किसी ने देश के अंदर हत्या का इतिहास रचा है तो कांग्रेस उसमें जो है प्रखर श्रेणी में आती है। चाहे वो इमरजेंसी का दौर देख लीजिए, चाहे 1967 में जिस प्रकार से कितनी सरकारें गिराई गई, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा सरकारें कांग्रेस के कार्यकाल में गिराई गई, 90 से ज्यादा सरकार गिराई गई। 356 जो आर्टिकल 356 है, जिसके अंदर स्टेट के अंदर उनको गिराया जा सकता है, वो कांग्रेस के लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। तो ये तो ज्ञान ना दें कम से कम हमको। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां पर जो है एक नेचुरल इरोजन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। और देखिए, इशू ये नहीं है कि खाली हिमाचल प्रदेश में, ये पूरी जो है ये श्रृंखला जो है पूरे शीर्ष नेतृत्व से शुरू होता है। अभी प्रियंका गांधी जी इसमें सक्रिय हो चुकी हैं, और राहुल गांधी जी अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दौरे पर निकल चुके हैं, जिस समय चुनाव जो है पूरे सर पे मंडरा रहा है। हिमाचल के अंदर क्राइसिस हो रही है, और क्राइसिस मैनेजमेंट इन्होंने किन किन लोगों के हाथ में दे रखा है। सुक्खू जी का जिस प्रकार से बर्ताव रहा है सुक्खू जी के साथ, ये सबसे बड़ा दुख यह है कि सुक्खू जी की सरकार को इम्पोज किया गया सुक्खू जी के ऊपर। प्रतिभा सिंह, जो मैं समझता हूँ कि वहां की
राजा की पत्नी थी, उनको नेत्रदान देकर के हाई कमान के इंटरवेंशन से सुक्कू जो दिया। तो वहां पर एक कांग्रेस के अंदर एक एक बहुत बड़ा एक संघर्ष चल रहा है आपस में सुप्रीमेसी के। कहीं जहां तक आप बिल्कुल जो बात कर रहे हैं सही हो सकती है, लेकिन मुकेश जी ऐसा तो बीजेपी ने भी कई जगह किया। मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेता ले आया जिसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, इसके अलावा और दूसरे स्टेट में भी जहां जहां चाहा राजस्थान में भी ऐसे ही किया। तो ये तो अंदरूनी चलता रहता है किसी भी पार्टी में, लेकिन इसका फायदा दूसरी पार्टी उठा रही है ये हकीकत है। और आज की तारीख में अगर बीजेपी को देखा जाए तो जब से मोदी जी ने कह दिया कि 400 पार हमको जाना है, तो उसके बाद पूरी पार्टी या पूरा केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से इसी में लग गया है कि कौन सी जगह की सरकार किस तरह से अपने पाले में कर ली जाए। जी आप ये बताइए सर कि ये जो राजा जी के पुत्र है जी, उनके पुत्र ने क्या कहा है कि मेरे मेरे पिताजी के आधार पर जो है चुनाव जीता इसने, और आज उनके लिए कोई एक जगह भी नहीं थी जहां पे उनका स्टैचू बन सके। तो मतलब वीरभद्र सिंह जो थे 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके, उनकी एक बहुत बड़ी उनकी तो कांग्रेस के ने जिस प्रकार के नियंत्रण किया। नहीं नहीं तो शिवेंद्र ये भी बात है कि तो इसी का फायदा आप लोग उठा के ये नहीं, तो उसके लिए मैं आपको मुकेश जी बताता हूँ, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार इतनी अच्छी चल रही थी, सारे लोग उनके जाने पर रो रहे थे, उसके बावजूद भी उनको हटा दिया गया और क्या हालत उनकी कर दी गई, केंद्रीय नेतृत्व ने उनका भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी शिकायतें तो जो भी कुर्सी से हटता है उसको होती है। भजन लाल जी जिनका नाम लोग नहीं जान रहे थे, पूछ रहे थे लोग आपस में, कई नेता ही आपस में पूछ रहे थे कि भजन लाल जी कौन है, वो अचानक से मुख्यमंत्री बन गए। मोहन यादव जी के साथ भी ऐसा हुआ जिनका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं। तो ये पार्टी के अंदर जो ये चलता है ये तो उनकी अपनी रणनीति या राजनीति होती है, उसको इस तरीके से कहना है जैसे विक्रमादित्य का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके पिता के नाम पे इतना बड़ा, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। नहीं चलिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या बीजेपी इसमें सक्रिय हो रही है इनको तोड़ने के अंदर, इनके अंतरकलह जो है, एक बार बता दूं आपको, इनको अंतरकलह मालूम थी। जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने अपना राज्यसभा का नॉमिनेशन हिमाचल प्रदेश से चेंज करके राजस्थान में गई, तो तभी से इनको संकेत आने लगे थे कि पार्टी के अंदर खलबली मच चुकी है, क्योंकि सोनिया जी अगर हारती है चुनाव तो ये मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा कलंक होता। तो ये इनको सुपुगाहट थी। देखिए उसके बाद प्रखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवेंद्र उनकी सुनते हैं। प्रखर बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बीजेपी प्रवक्ता जब इतने मासूम बन के बात करते हैं, अगर इनको इतना ही प्यार हिमाचल के लोगों से था, जब वहां पर त्रासदी आई थी और उसको हम लोग कह रहे थे राष्ट्रीय घोषित करिए, तब आप क्या हो गया था? तब तो आपने हिमाचल के लोगों का साथ नहीं दिया था, तब तो आपने बजट भी नहीं दिया था अलग से, तब क्या हो गया था? हिमाचल के लोग आपको याद नहीं आ रहे थे? जब ओपीएस की बात आती तब आपके हिमाचल के लोग याद नहीं आ रहे थे आपको? ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का वो है, भारतीय जनता पार्टी का एक नया नई चीज आई है कि आपके ऊपर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगना चाहिए तब वो आपको लेंगे और बड़ा पद देंगे। जिन जिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, उनको अपनी सरकार में बड़ा। मुकेश जी एक बात बताइए, अचानक से क्या हो गया है सभी लीडर्स को कि अचानक से शिवेंद्र अगर आप देखिए तो बीजेपी और मोदी में इतना विश्वास अचानक से क्या जग रहा है? कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक क्यों हो रहा है चुनाव आने से पहले? मैं आपको बताता हूं कि एक आधारभूत चेतना जो है देश के अंदर चल रही है कि अगर किसी भी स्टेट का विकास होना है तो एक ट्विन इंजन की सरकार होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए खाली स्टेट की इकोनॉमी ठीक चल रही है या खराब चल रही है, अगर उसके साथ सेंटर का समन्वय बहुत अच्छा होता है तो वहां पे तुरंत गति से उसका विकास होता है। लेकिन अगर वहां पे विरोधाभास है, आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और कहीं कांग्रेस या दूसरी पार्टी की सरकार है तो केंद्र सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी, जबकि केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी होती है स्टेट को किसी भी आपदा में किसी भी विकास के लिए किसी भी चीज के लिए सपोर्ट करना। तो इसका मतलब तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि अगर विकास चाहिए, अगर चाहिए कि हम आपकी बात को माने, सुने आपकी फरियाद को, तो फिर हमारे साथ ही आइए। मैं आपको बताऊं, देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत की स्कीम और तमाम केंद्रीय नीतियों को वहां पर इम्प्लीमेंट होने से मना कर दिया। वहां पे उनको क्या हम खुद अपनी ये नीतियां अपनाएंगे? तो वहां पर एक प्रकार का विरोधाभास जिससे जनता महरूम रह जाती है, जो केंद्र की नीतियां हैं उनको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और जब स्थानीय नेता लोग उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उसका नुकसान किससे होता है सारे? तो मैं समझता हूँ, मैं ये स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आधार क्या है। मोदी जी की प्रभावशाली नेतृत्व भी आधार हो सकता है, जिस प्रकार से आपने देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, समाजवादी छोड़ के आ रहे हैं,
अभी आपने देखा कांग्रेस के कितने कद्दावर नेता अशोक चव्हाण वो हमारे यहाँ छोड़ के आ गए। यही तो विडंबना है कि अचानक से सारे लोग इधर कैसे आ रहे हैं, क्या उनको प्रॉमिस किया जा रहा है, किस तरह के वादे के साथ वो आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो आप उनके खिलाफ थे, अचानक से आइडियोलॉजीज इतनी बदल जा रही है और वो बीजेपी में आ जा रहे हैं, और आप जैसा कह रहे हैं कि फिर वो पाक साफ हो जा रहे हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं है, उनको ये इसको कहते हैं कि नेचुरल अट्रैक्शन है, उनको पता है कि ये इस पार्टी का एक नेचुरल अट्रैक्शन को तो चलिए प्रखर नहीं नहीं शिवेंद्र इसका जवाब प्रखर जी से लेते हैं। प्रखर जी नेचुरल अट्रैक्शन है क्या कहेंगे? हाँ देखिए देखिए नेचुरल अट्रैक्शन तो है ही है, इनकी बात को मैं मानता हूँ, जिसको जिसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसको अपने अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपना ले लेते हैं, कहते हैं अरे भ्रष्टाचारी बाहर कैसे हो सकता है, हमारी उसमें आना चाहिए। इन्होंने अशोक चव्हाण पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, फिर उनके सांसद उनको राज्यसभा सांसद बना दिया, अपने किसी कार्यकर्ता को नहीं बनाते हैं। आपने कल उत्तर प्रदेश की एक फोटो देखी होगी जिसमें विधान सभा में ऊपर लोग खड़े हैं, कौन सा इनका अपना नेता था? अपने कैडर के नेताओं को तो ये लोग पूछते नहीं है, और सिर्फ बाहर के नेताओं को बड़े बड़े पद देते हैं, और जिस जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसको लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार कर्नाटका में लोगों ने देखी थी, इससे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार अभी तक आई नहीं थी कर्नाटका में, और जनता ने उसे नकार दिया। अच्छा, अभी आपने यूपी की बात की, अब ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी आपने यूपी की बात की शिवेंद्र, आप देखिए यूपी में जो हो रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? अरे सुनिए तो उसके लिए देखिए यूपी में जो हो रहा है उसमें ये कहूंगा कि लोगों ने देखिए वहां समाजवादी पार्टी के लोगों को बीजेपी ने तोड़ लिया, मुझे लगता है जनता ने समाजवादी पार्टी नेता इतने कमजोर हैं, क्या आपके नेता इतने कमजोर हैं कि बीजेपी ने तोड़ लिया और वो टूट के चले गए? मनोज पांडे के लिए आप क्या कहेंगे, सबसे विश्वसनीय आदमी समाजवादी पार्टी के, और वो इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाइए तो वही भोपाल क्या, मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए ही बोलूंगा। अब देखिये मैं बात पूरी करता हूँ, इन्होंने आयुष्मान योजना प्रखर जी एक चीज बताइए, ये बात तो कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होती है, कांग्रेस पार्टी के भी नेता तो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आखिरकार आपकी बात होती होगी, आखिरकार क्या वजह रहती है जो इतना अट्रैक्ट? मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो भी नेता गया है वो व्यक्तिगत फायदे के लिए किया है, उसको नेता और बड़ा लीडर कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, इतिहास उठा लीजिए। अभी अशोक चव्हाण जी गए तो राज्यसभा के लिए चले गए, तो कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई किसी ने नहीं बोला होगा मेरी तरह से कि मैं बीजेपी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूं, अरे प्रभावित होते तो इससे पहले चले जाते। और भारतीय कह सकते हैं कि पर्सनल फायदा और लालच जो है वो अब हर चीज से ज्यादा बड़ी हो गई है, जिसको जो जा रहा है आप खुद देख लीजिए, पर्सनल फायदे के लिए जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में बिलीव करती है, नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, लगभग हर राष्ट्रीय पार्टी का आधे ज्यादा नेता चाहता है बीजेपी में आ जाए, हम तो उनको ले नहीं रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को सब चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देखिए इनके बड़े लीडर ऑन रिकॉर्ड की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार जी को भ्रष्टाचारी बोला था, बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई, हेमंत बिस्व शर्मा को अमित शाह जी ने बोला था, फिर क्या हुआ उनको सीएम बना दिया गया, अमित शाह जी ने बता दिया था कि क्या कहते नीतीश जी के लिए कि उनके लिए दरवाजे बंद है, फिर एकदम से वो कुंडी खुल गई, इनके बिहार के नेता साफा आज तक बांधे हुए हैं, कसम खाए थे। तो देखिए डबल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी, करते कुछ है कथनी कुछ और है करनी कुछ और है। मैं चाहूंगी उसके कि पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि राजनीति में ये बात तो शुरुआत से होती है, ये बात और है कि हाल के फिलहाल के सालों में ये कुछ ज्यादा होने लगा है। दरअसल क्या है ना, राजनेता जो बात करते हैं ना कि राजनीति में हम इसलिए आए समाज सेवा कर सके, समाज सेवा कोई नहीं करना चाहता, वो अपनी सेवा करना चाहते हैं, और उनको जब लगता है कि हमारी नैया डूब रही है, कांग्रेस से आज की तारीख में बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी लोग मिसाल दिया करते थे, सालों साल तक सत्ता में रही, आज की तारीख में बीजेपी की तरफ लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब लोगों को ये नजर शायद मेरे ख्याल नजर में आ रहा है कि बीजेपी भले ही वो 400 से ज्यादा सीट न लाए जैसा मोदी जी ने दावा किया है, लेकिन इतना तो तय है कि जीत उनके लिए उतनी मुश्किल नहीं है, और ऐसे हालात में लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी में अंतरात्मा की आवाज सुनकर के बहुत सारे लोग बागी हो गए राज्यसभा वाले दिन, इससे पहले अखिलेश भैया की कस्में खाते थे कि हम समय हमेशा साथ में रहेंगे, और अचानक से छह छह लोग सात सात लोग जाकर के छोड़ करके पार्टी में चले गए और बीजेपी में शामिल हो गए जाकर के, अब उनको उम्मीद है कि उनको कोई पद मिलेगा कोई वो मिलेगा, तो ये हमेशा से होता आया है चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो। लेकिन अब शिवेंद्र जितना भरोसे का संकट अब दिख रहा है पहले इतना नहीं था, इस बार जिस तरह के हाल दिख रहे हैं, संकट इसलिए भी आ गया
क्योंकि अब हर किसी को निजी फायदा चाहिए। पहले जैसी राजनीति नहीं रही कि समाज सेवा के लिए लोग जुड़ते थे और अपना सब कुछ त्याग देते थे, और इसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दूसरी पार्टियों में फूट कैसे पहुंच सकती है, कैसे उनकी रणनीति काम कर सकती है, कैसे उनके लोग उनसे जुड़ सकते हैं। लालच दीदी जुड़ जाएंगे, कहीं कहीं आरोप ये भी लगता है ईडी सीबीआई की बात हो जाती है इसकी वजह से लोग जुड़ जाएंगे, कहीं ये भी लगता है कि कोई बड़ा पद मिल जाएगा इसलिए जुड़ जाएंगे, कहीं किसी की अंतरात्मा इसलिए जाग जाती है क्योंकि उनको पता है कि आगे भी मोदी आने हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, और इस सब से निपटने के लिए जो विपक्षी पार्टियों करना चाहिए था वो नहीं करते। अखिलेश यादव के साथ तमाम लोग जो उनके बागी हो गए उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। केवल यही रीजन नहीं है कि बीजेपी ने उनको लुभा लिया, केवल यही रीजन नहीं कि उनको कोई लालच दे दिया आगे कुछ दे देंगे, ये भी रीजन है कि अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जाता है कि अपने ही नेताओं से नहीं मिलते, उनको वक्त नहीं देते, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे वक्त लेना मुश्किल है, बाहर के लोगों को टिकट मिल जाएगा उनको टिकट नहीं मिलेगा। और मैं आपको प्रखर ये भी बता दूं, कांग्रेस में भी यही हाल है। राहुल गांधी चाहे जितनी जनता यात्रा पे जा रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, लेकिन अपने ही नेताओं से उनकी इतनी दूरी है ना कि वो उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके नेता, उनसे मिलने के लिए महीनों इंतजार करते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती। और ये सब जो चीजें हैं वो आपस का जुड़ाव इतना दूर कर देते हैं कि जब इस तरह से कोई बागी होता है तो बागी होते समय जो गिल्ट होनी चाहिए वो तक नहीं होती। तो चलिए मुकेश जी, लेकिन आप एक बात बताइए, तो क्या सबको ले जाएंगे अपनी पार्टी में, किसी को नहीं छोड़ेंगे? ऑपरेशन लोटस जिसको कहते हैं वो चालू हो गया है, अब चुनाव के पहले साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बात नहीं। आप बताइए, झारखंड में हम लोग तो नहीं जीत पाए, हमने राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई हुई, हमने तो वहां पे नहीं जीत पाए। तो जहां पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ नेचुरल अट्रैक्शन है, और ये लोग जो गंभीर हम पे आरोप लगाते रहते हैं, अशोक चव्हाण जो है हमारे आकर के साफ हो गए और अजीत पवार साफ हो गए, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे थे आपने भ्रष्टाचारियों की पार्टी खोल रखी थी, आपने भ्रष्टाचारियों को अपने अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ। आप लोग कह रहे थे, दरअसल ये आप लोग कह रहे थे, ये अब उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं ना। बोलिए तो सबकी बात समझ में आ पाएगी। सुनिए, मैं इनसे एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, अशोक चव्हाण भ्रष्टाचारी थे? देखिए, एक एक करके बोलिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा और आपकी बात भी नहीं हो पाएगी। आइए और बात बताइए जो बात कही जा रही है उस पे जवाब। मैं तो मुकेश जी सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या एक एक करके सबको ले जाएंगे बीजेपी 400 पार? तो शिवेंद्र लग रहा है कि ये तो सब उधर ही चले जा रहे हैं, ऑपोजिशन से आप एक एक करके उठाते जा रहे हैं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से, 400 मैं समझता हूँ कि ये न्यूनतम स्कोर होगा, हो सकता है 400 से बहुत ज्यादा हमारा चला जाए, जिस प्रकार से विपक्ष बिखरा दिख रहे हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुकेश जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगता है जब से मोदी जी ने ये कहा है कि 400 इस बार सीटें हम जीतेंगे, उसके बाद से पूरी पार्टी इसमें जुट गई है कि उस आंकड़े के भी पार कैसे जाए, और इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं। प्रखर जी बताइए, प्रखर जी आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए मोदी जी की। हाँ बताए, मोदी जी का बता दे रहे हैं, मोदी जी सुन लीजिए इनकी बात भी, सुन लीजिए क्या क्या हुआ। हाँ बताइए, मोदी जी ने बोला कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख अकाउंट में। मोदी जी ने बोला था कि नाले में पाइप से वो गैस जला देते थे। हेलो, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। जनता गंभीरता से लेती नहीं, मोदी जी ये कहते थे कि नाले की गैस से वो गैस जला देते थे। अरे नाले नहीं, मोदी जी बोलते थे कि बादल के ऊपर से प्लेन उड़ाइए तो रडार पकड़ेगा नहीं। तो मोदी जी की बात का कोई बहुत वो आप मत करिए, 400 बोल दिया है वो तो कुछ भी बोलते हैं। और इनके नेता तो अभी देखिए डिबेट पर आकर के, डिबेट पे आकर के मोदी जी के वक्तव्य क्यों नहीं मान रहे। मोदी ने स्वयं आकर मंच से बोला था चुनाव प्रचार में कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, इनके ही बराशी लीडर ने बोला था चक्की पीसिंग। ये बात तो पुरानी हो चुकी है प्रखर जी, ये बात पुरानी। अब आप एक बात बताइए, एक मिनट, अब आप एक बात बताइए प्रखर जी कि जब आप लोग जान गए कि बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो अब आप लोग उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? कहीं ना कहीं जो भी हो रही है वो नाकाम हो रही है। बीजेपी की झूठ बोलने की स्ट्रैटेजी, आप ये मानती हैं बात को?
चाहे जो भी स्ट्रैटेजी हो आपके लोग उनकी पार्टी में जा रहे हैं, जो भी क्या आप बताइए, झूठ बोलने की स्ट्रैटेजी है कि नहीं है? अगर आप ये जान गए कि आपके लोग उनकी पार्टी में जा रहे हैं तो आप उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अरे हमारे यहाँ तो अभी मीटिंग चल रही है, ऑब्जर्वर गए और अभी देखिए बहुत जल्दी आपको फैसला भी आ जाएगा हर चीज का। मगर ये बताएं, झूठ बोलते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं ना? मोदी जी ने झूठ बोला था, मन से झूठ बोलते हैं भाई इनके सारे नेता, जो जो आज तक बोल रहे हैं उस उसके विपरीत किया है। मुकेश जी जवाब दीजिए। हाँ बताइए। गाने की पंक्तियां याद आ रही हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। सुनिए मुकेश जी, आपने तो इसके आगे आप सीधे आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब आपने बोल लिया, आपने वक्तव्य कंप्लीट किया, मुझे भी बोलने दीजिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बोलिए बोलिए। देखिए मैं ये बहुत गंभीरता, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ भी कह रहे हैं इनकी बातों को जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। 2014 में हो सकता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ हो, लेकिन 2019 में हमारी 303 आई वो प्रो इनकम्बेंसी थी, और मैं समझता हूँ 2024 में ट्रिपल इनकम प्रो इनकम्बेंसी होने वाली है। तो इनकी अगर हमारी हम कोई गलत काम करते हैं तो जनता हमको उसका खामियाजा में भुगतना पड़ेगा अगर हम किसी गलत आदमी को लाते हैं, पर इनको कोई नहीं सुनता। ये अगर बहुत इनकी छवि साफ है, ये दागदार नहीं है, इनका प्रशासनिक क्षमताएं बहुत मतलब यूनिवर्सली एक्नॉलेजेबल है, तो आपको जनता क्यों निकार दे रही? 404 से लेकर के 50-55 पर कांग्रेस सिमट के रह गई, और मैं समझता हूँ कांग्रेस का फ्यूचर अभी और भी खतरे में आने वाला है। आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा विभाजन होने वाला है, तो ये आपको जनता क्यों नहीं सीरियसली ले रही है बताइए? हम जो भी करते हो, गलत करते हो सही करते हो, आप तो सारा काम अच्छा कर रहे हैं, आप तो देश के प्रति आपकी राष्ट्रीयता है, पर वो जनता आपको क्यों निष्कासित कर रही है? इसका जवाब आपके पास नहीं है। बिल्कुल जवाब दीजिए प्रखर जी, बिल्कुल जवाब दीजिए। सर पर है प्रखर जी, चुनाव सर पर है और आप लोग अभी भी मझधार में पड़े हुए हैं। आप प्रखर जी को मौका दे दीजिए। नहीं नहीं, ये सवाल है, ये आप नहीं, अरे मैं सीरियसली जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन तो दीजिए, सीरियसली जवाब दीजिए। चलिए आपके शेर को, टीवी 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 कल की बात पुरानी, अरे सुन तो दीजिए, आपके शेर को रिपीट करता हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ठीक है। 7 सालों तक हम आपको हराते हुए आए हैं, 14 और 19 में आप जीत गए, तो बंद घड़ी भी 2 बार सही समय दिखा देती है, इसका मतलब यह नहीं कि आप 24 में जीतेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने कर्नाटका में आपको हराया, हिमाचल में आपको हराया, 4 राज्यों के चुनाव में भी वोट परसेंटेज हमारा आपसे ज्यादा है, साउथ में आप है नहीं, इतने ही मजबूत है, इतने ही है, तो इतना सब तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो फिर क्यों लोग छोड़ने जा रहे हैं? अरे सुनिए तो, अरे फिर आपको अब हमारा जवाब भी आप देंगे, इतनी व्याकुलता किस बात की है भाई साहब, थोड़ा सुन तो लीजिए। अगर अरे सुन तो लीजिए, अरे अरे मजबूत है तो झारखंड में हमारे दिल्ली के भाग से चीखा फूट गया। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, सरकार में आपको, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, सरकार में आपको सुनना पड़ेगा और विपक्ष दबा नहीं सकते। सुन लीजिए मुकेश जी, मुकेश जी एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, सुनिए। और बहुत किसानों की बात करते थे, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है और आपने 1,05,000 करोड़ उसका सरेंडर कर दिया। यहाँ MSP की मांग कर रहा है, आप ही ने वादे किए थे। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, इस देश का 44% युवा जो 25 साल से कम का है वो इस समय बेरोजगार है। आपके यहाँ जितनी भी नौकरियां निकलती है उसका पेपर आउट हो जाता है, सब आपको सबक सिखाएंगे। और आप जितना भी इधर से उधर घूम लीजिए, जनता आपको हराएगी और कांग्रेस पार्टी हराती आई है, अगले चुनाव में फिर हराएगी। चलिए मुकेश जी बताइए, चलिए तो आप बोलेंगे, अरे आपकी अगर इतनी मजबूत व्यवस्था है और आप कह रहे हैं कि बिल्ली के भाग से 2014-2019 में छीका फूट गया, आप क्या समझ रहे हैं कि 2024 में आपकी आपकी स्थिति में आज बता दे रहा हूँ, आपकी मुश्किल से 30 सीट आने वाली, मुश्किल से, ये आपकी हालत है। अच्छा मुकेश जी, अब आपके हिसाब से, चलिए
अब आपके हिसाब से हिमाचल में क्या होने वाला है संक्षेप में? अब ये देखिए ऐसा है, हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुक्कू सरकार का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, वहां पर अंतर्द्वंद और अंतर्कलह पार्टी के अंदर है। जिस प्रकार से वहां पर लोग अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो यहाँ तक खबर मिल रही है कि 10-15 एमएलए और भी तैयार हो रहे हैं छोड़ने के लिए पार्टी के लिए। ये लगातार इन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी के 14 एमएलए को सस्पेंड करके ये एक कोई राजनीतिक एक खेल खेला। किस आधार पर उनको सस्पेंड किया गया जरा मुझे बताइए, ये राजनीति, ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? उन्होंने कौन सा ऐसा वहां पे व्यवधान किया है या वहां पे इस प्रकार का कुछ किया है कि आपने उनको 14 को 14 सस्पेंड कर दिया? आपकी नियत में खोट है, आपका कॉन्फिडेंस सरकार में जा चुका है। सरकार बनी रहेगी या क्या लग रहा है? सरकार बनी रहेगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस, ये देखिए पहले ही इनको सब पता है क्योंकि ये खुद लगे हैं इसमें, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया? अभी लगी नहीं है, क्यों नहीं सुक्कू जी में कॉन्फिडेंस जा चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है? ये सुक्कू जी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके लोग ही मना कर रहे हैं। अरे कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। चलिए अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवेंद्र, आपकी राजनीति पर इतनी अच्छी पकड़ है, आप बहुत सालों से देखते आ रहे हैं जिस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश जाता है तो हिंदी हार्टलैंड का एक और छोटा स्टेट ही सही इनके हाथ से निकल जाता है, कितना बड़ा नुकसान है ये? देखिए ये नुकसान तो है हर हाल में कांग्रेस का, और जो हालात बता रहे हैं, ताज़ा हालात यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल सकती है, क्योंकि उनके बागी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, चाहे मुकेश जी के मुंह से अचानक से निकल गया हो या फिर हकीकत हो। ये आज से नहीं, इस ऑपरेशन को करने के लिए बहुत पहले से कोशिश की जा रही थी। केंद्रीय नेतृत्व के कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री कई बार इन लोगों से मुलाकातें कर चुके थे, बातचीत कर चुके थे। इससे एक बात साफ हो रही थी कि जब भी हालात बिगड़ेंगे और उसका बीजेपी फायदा उठाएगी। हालांकि राजनीति में यह चलता है कि अपनी रणनीति ऐसी बनाइए, जब मौका मिले तो आप सरकार को पलट दीजिए, और वही हो रहा है। लेकिन ये देखिए लगातार जिस तरह से बीजेपी अलग अलग स्टेट में कर रही है, उससे दो बातें निकल के आती हैं कि या तो एकदम विजय रथ लेकर के बीजेपी निकली है कि पूरे देश को जीत लेना है और विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, दूसरा ये कि इतना सब होने के बावजूद भी चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई पार्टी इतनी मजबूत दिखती नहीं है जो विकल्प के तौर पर खड़ी हो जाए और अपने यहाँ की सरकारों को बचा सके। तो ऐसे में जाहिर सी बात है राजनीति में जो होता आया है कि जब भी जिसको मौका मिलेगा वो बाजी को पलट दे। तो आपके हिसाब से राम लहर और मोदी लहर क्या एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑपोजिशन के तर्कश से एक एक तीर निकलते जा रहे हैं, या वजह कुछ और भी है? देखिए केवल लहर की बात नहीं रह गई, पहले जरूर 2014 में मोदी की वजह से, 19 में मोदी की वजह से ही सिर्फ सरकारें आई, लेकिन जिस तरह की स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी चल रही है वो अपने आप में एक पैमाना बन गया है। पैमाना इस तरीके से कि 24 घंटे सातों दिन 365 दिन बीजेपी जो चुनाव के मोड में रहती है, कभी उनका कार्यकर्ता आप खाली नहीं बैठे देगा, संगठन के लोग फील्ड में रहते हैं। यहाँ विपक्ष में अभी का एग्जांपल है, हिमाचल में इतना डिस्टरबेंस चल रहा है, राहुल गांधी बाहर दौरे पर चले गए, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में होता है, बसपा में मायावती तो बोलने को ही तैयार नहीं। तो जब इतना कमजोर विपक्ष होगा तो जिसके पास भी मौका होगा वो अपनी पूरी रणनीति अपनाएगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जिस भी दिन ये कहा कि 400 के पार हम सीटें आएंगे, उसके बाद से ये ऑपरेशन और तेज हो गया। और आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे लोगों के सूत्र बताते हैं, कई और स्टेट हैं जो निशाने पर हैं, जहां पर बीजेपी अपने काम में लगी हुई है कि कभी जब भी मौका मिलेगा वो स्ट्रेस करेंगे, और ये जो मौका परस्ती है नेताओं की वो भी सामने आती है। जब उनको कोई मौका ठीक से मिलेगा और सामने कोई बड़ा पद या लालच दिखेगा तो वो सारी चीजें भूल करके बीजेपी की झोली में चले जाएंगे। यानी शिवेंद्र एक बात तो साफ है कि जिस तरह से बीजेपी मिशन मोड में है, अगर ऑपोजिशन ने अपनी घेराबंदी अच्छे से नहीं की तो बहुत सारा मतलब बड़ा डैमेज हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ये जो हिमाचल में अभी दिख रहा है, इससे पहले दो और स्टेट में दिख चुका, गोवा का एकदम एक्सट्रीम केस था जिसमें इस तरह से उन्होंने कर दिया। तो ये तो मान के चलिए कि जिस तरह से बीजेपी चल रही है उस तरह से और कोई सियासी पार्टी कर नहीं पा रही। ये जो मजबूत विपक्ष, जो अपने अंदर लोगों को बांधे रखने वाला विपक्ष होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं है, और उसी का नतीजा ये है कि आज जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। और राजनीति की एक अलग ऐसी परिभाषा आ गई है जिसमें आने वाली सरकारें भी शायद इसको प्रैक्टिस करें, लेकिन जिस एक्सट्रीम में, जिस तैयारी के साथ बीजेपी ने इसको प्रैक्टिस किया है वो और कोई पार्टी नहीं कर पा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और साथ ही हर बारीकियों पर प्रकाश डालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।